है आपका आचार्य क्लासेज में। मैं आकाश अग्रवाल, हम लेकर आए हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, हमने पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, और उनको समझेंगे कि वो कहाँ कैसे काम आएंगी, हमारे क्या काम आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ कीज हम लिखा रहे हैं, कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक हम कीज लिखा रहे हैं, आपके बहुत काम आएंगी आगे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, जितनी भी कीज आप बनाते हो शॉर्टकट कीज बनाते हैं उनमें कंट्रोल शिफ्ट वगैरह इनका सभी का यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये कुछ कीज होती हैं, इनके जरिए ही शॉर्टकट कीज बनाई जाती हैं। शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया जिसको CTRL लिखते हैं हम शॉर्ट के अंदर, अल्टरनेट होता है अल्ट जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ALT। कीज उतार लीजिए। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, किसी भी आप एमएस वर्ड में अगर जाते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप खोलते हैं तो उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट आपका लिखा होगा उसे सेलेक्ट करने के लिए, कंप्लीटली सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए की कीज का यूज करोगे। अगला है कंट्रोल प्लस वी फॉर बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर उसको हमें डार्क दिखाना है बोल्ड दिखाना है तो हम की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी। अगली की है कंट्रोल प्लस सी, जिसका काम आता है कॉपी में, जो सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे कॉपी करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम उसे कॉपी करना चाहते हैं तो की काम में आएगी कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस डी हमारे काम आती है फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए, आप एमएस वर्ड में जब काम करते हैं तो फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए की काम में आती है कंट्रोल प्लस डी। डी का यूज आप पावर पॉइंट, ये तो हो गया एमएस वर्ड के अंदर, अगर आप पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं तो ये काम आएगी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, किसी भी पैराग्राफ जब आप लिखते हैं या कोई टेक्स्ट होता है, कोई वर्ड होता है या कोई सेंटेंस होता है या कोई पूरा पैराग्राफ है, अगर आप उसे सेलेक्ट करने के बाद सेंटर में व्यवस्थित करना चाहते हैं, बिल्कुल पेज है आपका पेज के बीच में अगर उस डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप की काम में ले सकते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस एफ ये की काम आती है फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए, आप जब एमएस वर्ड में जाते हैं एमएस वर्ड में किसी शब्द को आपको खोजना है सर्च करना है तो आप फाइंड बॉक्स ओपन करेंगे, फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए आपके पास की काम में आती है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस जी, जी का मतलब होता है गो टू बॉक्स, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप जाते हैं आपको किसी आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 10 लाइन है और आपको अगर आप अभी फिलहाल 10वीं लाइन पर काम कर रहे हैं और आपको सीधा आपको जाना है मान लीजिए दूसरे नंबर की लाइन पर अगर आपको मूव करना है की के जरिए तो आप कंट्रोल प्लस जी ओपन करेंगे, गो टू बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको लाइन आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपसे मांगा जाएगा लाइन नंबर, लाइन नंबर में अगर आप जिस भी लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं मान लीजिए 2 पर जाना चाहते हैं 2 पर जाइए, उसके बाद वहां ओके का साइन आएगा, ओके कीजिए, आपका जो कर्सर होगा माउस का वो आपको 2 नंबर लाइन पर पहुंचा देगा। तो
कंट्रोल प्लस एच, एच का मीन्स होता है रिप्लेस। रिप्लेस बॉक्स ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एच की की काम में लोगे। रिप्लेस काम आता है अगर आप आपने पढ़ा था फाइंड बॉक्स, अगर कोई शब्द आपने खोजा है डॉक्यूमेंट के अंदर, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है नाम आचार्य क्लासेस, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आचार्य क्लासेस और आपको पूरे डॉक्यूमेंट में काफी सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसमें आचार्य क्लासेस को फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, फाइंड बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आएगा, वहां आप लिखेंगे आचार्य क्लासेस। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी आचार्य क्लासेस लिखा होगा वो उस वर्ड को, उस सेंटेंस को हाईलाइट करके आपके सामने दिखा देगा। इसी तरीके से यदि आपको रिप्लेस बॉक्स वाली की का काम में लेना है तो आप कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने के बाद वहां पर आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपको मान लीजिए क्लासेज, क्लासेज की जगह मान लीजिए आपको क्लासेज को एकेडमी से रिप्लेस करना है, क्लासेज की जगह आपको लिखना है अकेडमी, तो आप फाइंड के एक तरफ लिखेंगे क्लासेज और जिसको आप जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं वहां लिखेंगे अकेडमी और ओके के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो जहां भी क्लासेज लिखा होगा वो चेंज होकर हो जाएगा अकेडमी। ये रिप्लेस का ऑप्शन हो गया। कंट्रोल प्लस एच की हमारी हो गई आई, कंट्रोल प्लस आई ये की काम में आती है किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को इटैलिक इफेक्ट देने के लिए, तिरछा इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। जैसे आपने कोई नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने यहां लिखा है आचार्य, आप इसे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ए के जरिए या किसी आप कर्सर की मदद से भी आप इसे पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको इसे इटैलिक इफेक्ट में अगर चेंज करना है तो पहले आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आई तो फिर ये वर्ड थोड़े तिरछे दिखाई देंगे, आपको थोड़ा तिरछा दिखाई देगा कंट्रोल प्लस आई। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, आगे की केस भी हम देखते हैं। कंट्रोल प्लस जे, जे काम में आती है जस्टिफाई इफेक्ट के लिए। जस्टिफाई किसी पैराग्राफ को दोनों तरफ से अलाइन करना, राइट और लेफ्ट से, तो आप उस इफेक्ट को बोलते हैं जस्टिफाई इफेक्ट। आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई से मीन्स होता है कि ये दोनों तरफ का जो मार्जिन होगा, दोनों तरफ का जो स्पेस होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसको बिल्कुल अलाइंस कर देगा, बिल्कुल एक सीध में कर देगा, तो वो इस इफेक्ट को हम बात करेंगे, इसे बोलेंगे जस्टिफाई। इसी तरीके से अगला आता है के काम आता है हाइपरलिंक के लिए। आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हैं, किसी टेक्स्ट को लिंक बनाना है, आपने देखा होगा गूगल पे आपके कई सारी चीजें आपके पास होती हैं। मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया कंप्यूटर, गूगल सर्च इंजन पर आप गए, वहां आपने सर्च किया कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सर्च करने के बाद आपके पास कई सारे वहां पर लिंक्स ओपन हो जाते हैं, कई सारी वेबसाइट्स के URL आपके सामने आ जाते हैं, कई सारे लिंक्स आपके सामने ओपन होते हैं, उन सभी लिंक्स को हाइपर लिंक बोलते हैं। जैसे ही आप किसी भी लिंक पर या URL पर क्लिक करते हैं तो आप उससे जुड़े पेज पर मूव कर जाते हैं, तो वो जो लिंकिंग इफेक्ट होता है, कनेक्टिविटी जो इसने की है हाइपर लिंक ने, उसे हम बोलेंगे हाइपर लिंक। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। लेफ्ट अलाइंस होता है कंट्रोल प्लस एल का, जैसे हमने राइट अलाइंस पढ़ा था।
एम, कंट्रोल प्लस एम आपके पावर पॉइंट में काम आ जाएगा, पावर पॉइंट में काम आएगा न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए, पावर पॉइंट में काम आएगा कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आपको एक चीज हम समझा देते हैं। एमएस ऑफिस जब आप पढ़ते हैं, बेसिकली अगर आप आर एस सी आई टी या नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं तो आपके तीन जो सॉफ्टवेयर हैं वो अधिकतम काम आते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। वर्ड काम आता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एमएस वर्ड का क्या उपयोग है, एमएस वर्ड क्या काम में आता है, तो आप बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम में आता है। एमएस वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। एक्सेल की फाइल को क्या बोला जाता है, एक्सेल की फाइल को बोला जाता है बुक, क्या बोला जाता है बुक। पावर पॉइंट की फाइल को बोला जाता है प्रेजेंटेशन फाइल। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका पार्ट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड काम आता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, एक्सेल काम आता है बुक्स बनाने के लिए, पावर पॉइंट काम आता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम इनकी फाइलों को डॉक्यूमेंट फाइल, बुक फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। इनके फाइल एक्सटेंशन होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स। बुक का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एस एक्स। प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी एक्स। आप इन फाइल एक्सटेंशन की मदद से इन फाइलों के फॉर्मेट को पहचान सकते हैं। आपको एक्सटेंशन की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, डॉट डॉक्स फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, डॉट एक्सएल एस एक्स फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, डॉट पीपीटी एक्स फाइल है। एक चीज और मैंने आपको बताया, वर्ड, वर्ड में काम किया जाता है ब्लैंक पेजों से, ब्लैंक पेजेस पे, खाली पेज, ब्लैंक पेजेस पे काम किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर। एक्सेल के अंदर काम किया जाता है शीट्स के अंदर। और पावर पॉइंट पे जो काम किया जाता है वो काम किया जाता है स्लाइड के ऊपर। तो आप आसान इजीली ये समझ लीजिए कि एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो ब्लैंक पेज होता है, एक खाली पेपर होता है जो नॉर्मली आप पेपर पे काम करते हैं। ऐसे ही जो एक्सेल का जो पेपर होता है उसे हम शीट बोलते हैं। इसी तरीके से पावर पॉइंट की जो पेपर होता है उसे हम स्लाइड नाम हमने दिया है तो स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, बाकी की चीज अपन लिख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल। देखो ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए था, एक नई स्लाइड उसमें जोड़ने के लिए, किसमें, पावर पॉइंट में। आगे लिख लीजिए पावर पॉइंट, आपको याद रहेगा कि ये किया आपकी पावर पॉइंट में काम आ जाएगी। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस एम, और कंट्रोल प्लस एन काम आएगा न्यू फाइल जोड़ने के लिए, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। आप तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी नई फाइल ओपन करना चाहेंगे तो आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस एन। अगली की आती है ओ, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल। आप इसे ओपन रिसेंट फाइल भी बोल सकते हैं। जो फाइलें आपने पहले से बना के अपने सिस्टम में रखी हुई हैं, आप उन्हें ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते ही आपके पास जितनी भी फाइलें आपके सिस्टम में रखी होंगी उस फॉर्मेट की, जिस भी में भी आप खोल रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे, तो आपकी पुरानी फाइल आपकी यहाँ से
ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख लें, ओपन रीसेंट फाइल। एम एन ओ। अब आता है कंट्रोल प्लस पी। पी काम आएगा आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। प्रिंट करते हैं आप किसी पेपर को तो कंट्रोल प्लस पी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां से आप अपना पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे, पेपर की क्वांटिटी, कितने पेपर आपको कॉपी निकालनी है, वो सारी चीजें आप सेलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेंगे। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू, ये काम आएगा आपका एमएस अलर्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर, हमने लेफ्ट अलाइंस पढ़ लिया था, जस्टिफाई पढ़ लिया था, सेंटर अलाइनमेंट पढ़ा था। कंट्रोल प्लस आर हम राइट अलाइनमेंट भी पढ़ेंगे। किसी पैराग्राफ को अलाइंस करना मतलब व्यवस्थित करने के लिए, किसी पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए चार प्रकार के अलाइनमेंट दिए गए हैं एमएस वर्ड के अंदर। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, एक है लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। पैराग्राफ को राइट साइड से व्यवस्थित कर देगा ये अलाइनमेंट। क्लियर। कंट्रोल प्लस एस, सेव एस डायलॉग बॉक्स। किसी फाइल को सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस की का यूज कर सकते हैं। सेव एज बॉक्स। कंट्रोल प्लस टी, फॉन्ट बॉक्स। डीबीसी काम में आ रहा है आपके। कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस टी दोनों फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए काम में ले सकते हैं आप। अब आता है कंट्रोल प्लस यू। यू का लिख लीजिए अंडरलाइन इफेक्ट। किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए, किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन इफेक्ट। यदि इसमें एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, सिंगल अंडरलाइन के लिए ये कंट्रोल प्लस यू काम आ जाएगा आपका। सिंगल अंडरलाइन के लिए मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं इनको। कंट्रोल प्लस यू, सिंगल अंडरलाइन। इसी में आप एक ब्रैकेट में डाल लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये काम आ जाएगा आपका डबल अंडरलाइन के लिए। अब आता है कंट्रोल प्लस वी। जो भी आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए, उसे उस जगह पर चिपकाने के लिए। आप कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने यहाँ आचार्य लिखा हुआ था आपके डॉक्यूमेंट में, आपने उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे कंट्रोल सी की मदद से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जब पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल प्लस वी की मदद से आप इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, आपका जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो पेस्ट वही होगा जहाँ आपका कर्सर होगा, माउस का कर्सर होगा। जहाँ आप कर्सर को रखेंगे वही आप पेस्ट कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये काम आता है आपका क्लोज विंडो, विंडो क्लोज करने के लिए। किसी विंडो को क्लोज करने के लिए आपके पास काम आएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ध्यान दें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से फाइल बंद नहीं होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट या आपका जो वर्कशीट है वो बंद होगी। अगर आपने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास आपका डॉक्यूमेंट बंद होगा,
जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं वो हाइड हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपकी वर्ड की फाइल बंद नहीं होगी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू सिर्फ विंडो को क्लोज करने के लिए काम में आएगा। कंट्रोल प्लस एक्स ये काम आता है कट के लिए। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद, सॉरी, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसे कट करना चाहते हैं, वहां से हटा के, उसकी निर्धारित जगह से हटाकर दूसरी जगह पर उसे रखना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी का पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी काम आएगा ही। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई काम आता है रीडू, रीडू इफेक्ट काम आता है, और कंट्रोल प्लस जेड काम आता है अंडू इफेक्ट के लिए। अंडू तो अधिकतर लोग जानते हैं, कई लोग कंट्रोल प्लस वाई का इफेक्ट नहीं जानते। रीडू अंडू आगे आपको पीछे लेके जाएगा, आपने जो बैक वर्क किया है, जो भी काम किया है पीछे की तरफ, जो आपने मिटा चुके हैं आप, तो कंट्रोल प्लस जेड उसकी तरफ लेके जाएगा और रीडू आपको वापस आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज हो गई हमारी कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक। या आपके आगे जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके बेसिक लेवल पे जो अभी आपके कंपटीशन होते हैं, आरएससीईआरटी या जो भी छोटे कोर्स हैं, जो भी एग्जाम होती हैं उनमें ये पूछे जाती हैं चीज़ें, तो आप इनको ढंग से याद कर लें। बाकी का अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।